हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। सो इस वीडियो में भी हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, और ये टॉपिक आपका है IBO 5 का, इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। और जो टॉपिक चूज़ किया है मैंने वो आपका है चैप्टर नंबर 6, जो कि है एयर ट्रांसपोर्ट, एंड दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। एंड बात करें पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था अबाउट IGRUA, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी के बारे में। अब डिस्कस जो करेंगे टॉपिक वो है आपका BCAS, ठीक है। तो जो टॉपिक है डिस्कशन का, दैट इज़ व्हाट इज़ BCAS, BCAS क्या है आपका। हो सकता है आपका शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए, लाइक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन BCAS। तो मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, क्या आपको पता है BCAS के बारे में? अगर पता है तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके एक बार आप लिखने की। अगर नहीं पता तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, आपको पूरा का पूरा जो आंसर है वो याद हो जाएगा, दैट इज़ माई गारंटी। एंड दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट माई फ्यूचर वीडियोज़। एंड वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फेसबुक चैनल पर। सो लेट्स स्टार्ट विद अ डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम में आपका देखिए, मैंने लेफ्ट साइड पर मेंशन किया है BCAS इज़ इक्वल टू ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। सो BCAS की फुल फॉर्म में आपकी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। अब ये है क्या बेसिकली? तो इट इज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन इन इंडिया। तो सिविल एविएशन यानी कि जो बेसिकली आपके एयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, सिविल एविएशन की जो सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं इंडिया में, उसको रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी है वो है आपकी BCAS, ठीक है। सो BCAS क्या है बेसिकली? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। एंड ये क्या है बेसिकली? आपकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिविल एविएशन के लिए। और कहाँ पर है ये? हमारी कंट्री में, इंडिया में, ठीक है। सो BCAS इज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन इन इंडिया। तो आई थिंक पहला आपका पोर्शन हमारा समझ में आ चुका होगा आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोर्शन सेकंड। तो BCAS, थोड़ा सा आप डाउनवर्ड देखिए, इज़ अ नोडल बॉडी फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी मैटर्स। तो जो भी आपके सिक्योरिटी मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू सिविल एविएशन, उसके लिए एज अ नोडल बॉडी वर्क करती है BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है। सो जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है वो क्या करती है? आपके सिविल एविएशन सिक्योरिटी मैटर्स से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं आपके, उसमें एज अ नोडल बॉडी वर्क करती है। सो यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। BCAS की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, और क्या है ये? आपकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिविल एविएशन इंडिया के लिए। एंड ऑल्सो यू कैन से इट्स अ नोडल बॉडी फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी मैटर्स, ओके। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ आप डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सभी पॉइंट्स के बारे में, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ चुकी होगी। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ BCAS। सो BCAS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। Now the Bureau of Civil Aviation Security, BCAS, is the regulatory authority for civil aviation in India. ये भी पॉइंट हमने पीछे डिस्कस कर लिया। क्या है ये? आपकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिविल एविएशन के लिए, कहाँ पर? इंडिया में, ठीक है। तो क्या है BCAS? बेसिकली एक रेगुलेटरी अथॉरिटी किसके लिए? सिविल एविएशन के लिए, कहाँ पर? इंडिया में, ठीक है। Now let's discuss the point number 3. Point number 3 says BCAS was initially set up as a cell in the Directorate General of Civil Aviation, DGCA. इसको याद कर लीजिएगा, DGCA की फुल फॉर्म है Directorate General of Civil Aviation. और इन जनवरी 1978 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पांडे कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द वेक ऑफ द हाईजैकिंग ऑफ द इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट ऑन 10th of September 1976। तो बात करें दोस्तों BCAS को क्यों सेटअप किया गया, तो उसके पीछे जो प्लेन हाईजैकिंग्स वगैरह हो रही थी वो रीज़न थे। तो इनिशियली BCAS क्या था? एज अ सेल सेटअप किया गया इन DGCA, ठीक है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में एक सेल के तौर पर आपका क्या था, BCAS को सेटअप किया गया जनवरी 1978 में। और इसकी रिकमेंडेशन आपकी कहाँ से मिली? पांडे कमेटी से मिली, ठीक है, जिन्होंने जो 10th of September 1976 को इंडियन एयरलाइंस की जो फ्लाइट हाईजैक की गई थी उसके रेस्पॉन्स में आपकी क्या थी, ये सेल बनाने का प्रपोजल दिया। तो कौन सी कमेटी थी? पांडे कमेटी थी, जिसने रिकमेंडेशन दी BCAS की। इनिशियली आपका सेटअप कैसे किया गया BCAS एज अ सेल इन DGCA,
और कब किया गया था आपका? जनवरी 1978 में। क्यों किया गया? जस्ट टू प्रोवाइड और टू प्रिपेयर अ टीम इन ऑर्डर टू टैकल द हाईजैकिंग ऑफ द इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट। तो जो हमारी इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट थी उनकी हाईजैकिंग को रोकने के लिए जो सिक्योरिटी टीम एस्टेब्लिश की गई थी वो थी हमारी BCAS। सो जो थर्ड पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि BCAS वॉज इनिशियली सेट अप एज अ सेल इन द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA इन जनवरी 1978 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पांडे कमेटी कंस्टिट्यूटेड इन द वेक ऑफ द हाईजैकिंग ऑफ द इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट ऑन 10th ऑफ सेप्टेम्बर 1976। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, डिस्कस करते हैं और थोड़े से पॉइंट्स। So, the BCAS is the nodal body on all the civil aviation security matters. तो जितने भी आपके सिविल एविएशन से रिलेटेड सिक्योरिटी मैटर्स होते हैं उसके लिए नोडल बॉडी के तौर पर वर्क करती है BCAS। ठीक है, तो क्या है BCAS? बेसिकली इट्स अ नोडल बॉडी एंड फॉर वॉट इट इज़ कंसीडर्ड एज अ नोडल बॉडी? इट इज़ कंसीडर्ड एज अ नोडल बॉडी फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी मैटर्स। Now let's discuss point number two. Point number two हमारा क्या कहता है? The BCAS is responsible for laying down the security standards and anti-sabotage measures for civil aircraft. तो जितने भी civil aircraft होंगे, ठीक है, तो उसकी जो security standards हैं उनको लेट डाउन करने के लिए BCAS responsible है। और इसके अलावा सिविल एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी के लिए जो भी आपके एंटी सैबोटेज मेजर्स होंगे उनको भी लेट डाउन करने के लिए BCAS ही responsible है। ठीक है, सो BCAS किस किस चीज़ के लिए responsible है? फर्स्ट, इट इज़ responsible फॉर लेइंग डाउन द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स एंड सेकेंड इट इज़ responsible फॉर लेइंग डाउन द एंटी सैबोटेज मेजर्स फॉर सिविल एयरक्राफ्ट। I repeat, BCAS is responsible for laying down the security standards for civil aircraft. और दूसरा आपका BCAS is responsible for anti-sabotage measures for civil aircrafts. ठीक है, I hope ये point आपको clear हो चुका होगा। Now let's discuss the point number 3. And point number 3 says the BCAS is also responsible for monitoring their enforcement at the airports through periodicals or surprise inspection and conduct of dummy checks. ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो चेकिंग्स होती हैं आपकी अच्छी तरीके से और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो आपको ले जाने नहीं दिए जाते। ठीक है, तो why is it happening? Just to ensure that security is properly maintained. तो BCAS जो है उस वो क्या करती है, आपकी जो enforcement होती है available air ports पर और air आपके you know flights में, तो जो पब्लिक है उनकी सिक्योरिटी के लिए ये कभी कभी सरप्राइज इंस्पेक्शन भी करती है और डमी चेक्स भी कंडक्ट कराती है जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि सिक्योरिटी जो है सिविलियंस की वो क्या है एयरक्राफ्ट में 100% है। Okay, so this point is also very important and you should remember it that BCAS is also responsible for monitoring their enforcement at the airports through surprise inspection and conduct of dummy checks. Okay, तो अब आगे बढ़ते हैं एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं BCAS के बारे में। So BCAS, Bureau of Civil Aviation Security, headquarter is in New Delhi. ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम में हम अगर बात करें तो BCAS का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। BCAS का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। नाउ BCAS के रीजनल ऑफिसेज भी हैं, तो आपके चार रीजनल ऑफिसेज हैं BCAS के। पहला है मुंबई में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है कोलकाता में और चौथा है चेन्नई में। ठीक है, सो BCAS हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यू दिल्ली, विच यू कैन सी इन द फर्स्ट रो एंड द सेकेंड row you can see the details about the regional offices. BCAS ke regional offices kahan kahan hain? Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai. Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, MDKC. MDKC yaad kar lijiye short form, Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai. Char regional offices hain BCAS ke. So the Bureau of Civil Aviation Security BCAS also provides training in aviation security on a regular basis. To regular basis par kya karti hai aapki एविएशन सिक्योरिटी की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है BCAS। ठीक है, सो BCAS क्या करती है? इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन एविएशन सिक्योरिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस। द BCAS हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इट हैज़ फोर रीजनल ऑफिसेस एट MDKC, याद रखिएगा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, चार रीजनल ऑफिसेस हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ओके, आई होप दिस स्लाइड इज ऑल्सो क्लियर। चार आपके रीजनल ऑफिसेस हैं, एक हेडक्वार्टर है जो कि न्यू दिल्ली में है एंड BCAS ऑल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन एविएशन सिक्योरिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, तो बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर।
तो डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है, BCS रीजनल ऑफिसेज फैसिलिटीज़, उनको डिस्कस करेंगे कि जो BCS के रीजनल ऑफिसेज हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। तो आपकी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो है आपकी बॉम्ब डिटेक्शन, डिस्पोजल स्क्वाड एंड स्निफर डॉग स्क्वाड्स, ठीक है। तो बॉम्ब डिटेक्शन के लिए पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं BCS के रीजनल ऑफिसेस में। इसके अलावा अगर बॉम्ब डिटेक्ट होता है तो उसके डिस्पोजल के लिए एक स्क्वाड है, एक टीम है पूरी आपकी। इसके अलावा स्निफर डॉग स्क्वाड है, स्निफर डॉग्स की टीम भी है जो कि डिटेक्ट कर सकते हैं आपके कोई भी आपके बॉम्बिंग आइटम या फिर बेसिकली यू नो एक्सप्लोजिव आइटम्स होते हैं, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए स्निफर डॉग्स भी अवेलेबल हैं इन सारे रीजनल ऑफिसेस में, ठीक है। तो द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाई BCS रीजनल ऑफिसेस आर बॉम्ब डिटेक्शन, डिस्पोजल स्क्वाड और यू कैन राइट डिस्पोजल टीम एंड स्निफर डॉग स्क्वाड और स्निफर डॉग टीम, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपको क्लियर होगा आई एम श्योर, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फर्दर हम अपना डिस्कस कर लेते हैं, और जैसा मैं हर बार बोलता हूँ आपको, डायग्राम आप बनाएंगे तो इससे आपके आंसर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो डू एंश्योर कि आप डायग्राम्स बना रहे हैं, इससे आपका अलग इम्प्रेशन पड़ेगा आपके आंसर पर और आपका जो मार्क्स है वो ज़रूर बढ़ जाएंगे एग्ज़ाम में। जो एग्ज़ामिनर होगा वो भी सोचेगा कि आपने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, और जो भी मेरी वीडियोस आप देखते हैं उनमें मैं डायग्राम्स कोशिश करता हूँ आपको प्रोवाइड कराऊँ जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, साथ ही साथ अपने मार्क्स आप बूस्ट कर सकें। तो ज़रूर बनाइएगा डायग्राम, एक बार मेरी बात मानकर करके देख लीजिएगा एंड आई एम श्योर कि बहुत अच्छे मार्क्स आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर वन। ऑल द रीजनल ऑफिसेस ऑफ BCAS हैव अ बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं, जितने भी रीजनल ऑफिसेज हैं BCAS के सब में बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड अवेलेबल है। एंड द BCAS हैज़ स्निफर डॉग स्क्वाड्स एट द एयरपोर्ट्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड श्रीनगर। तो गाइज बाकी तो सारे हमारे रीजनल ऑफिसेज ही हैं, एक श्रीनगर में भी आपकी स्निफर डॉग स्क्वाड रखी जाती है BCAS की तरफ से फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज। एंड जो ये स्निफर डॉग स्क्वाड होती है इसका पर्पज़ होता है टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव्स एंड एक्सप्लोजिव्स मटेरियल, ठीक है। सो द BCAS हैज़ स्निफर डॉग स्क्वाड एट द एयरपोर्ट्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड श्रीनगर फॉर डिटेक्टिंग एक्सप्लोजिव्स एंड एक्सप्लोजिव मटेरियल्स, ठीक है। सो बॉम्ब डिटेक्शन के लिए टीम है, डिस्पोजल स्क्वाड है, स्निफर डॉग स्क्वाड है, तो आपकी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो कि सिविल सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन शॉर्ट वी कैन से BCS क्या है, एक नोडल बॉडी है जिसका मेन पर्पस है सिविल एविएशन सिक्योरिटी मैटर्स को इंश्योर करना, ठीक है। एंड उसके लिए जितनी भी क्रूशल स्टेप्स है ये सारी की सारी लेती है, ठीक है। सो आई होप ये आपको पर्टिकुलर पॉइंट समझ में आ चुके होंगे, ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। सो कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, अपने हो सके फेसबुक पेज पर भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी और आप भी प्रिपेयर कर सके इस पर्टिकुलर टॉपिक को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।